हेलो मैं नमस्कार सभी कार्यक्रम मैं सीआर गोरमिट आईटीआई कुंडरी से मैथ इंस्ट्रक्टर। हरियाणा के अंदर आईटीआई से पास होता बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हरियाणा के बच्चों को आईटीआई का डिप्लोमा करने के बाद दोबारा से प्लस टू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा का स्किल डिप्लोमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दोनों ने मिलकर के ये तय किया है कि जो भी बच्चे आईटीआई का कोर्स जो दसवीं बेस पर कोर्सेज हैं यदि वो एक साल का है तो एक साल का कोर्स पूर्ण करने उपरांत और उसके पश्चात एक साल की अप्रेंटिस करने के पश्चात प्लस टू की डीएमसी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक लैंग्वेज का पेपर देना है। यदि आप हिंदी का चाहते हैं तो हिंदी का दे सकते हैं और इंग्लिश का चाहते हैं तो आप इंग्लिश का भी दे सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों ने दो साल का कोर्स पूर्ण किया है वो बच्चे डायरेक्ट हिंदी या फिर अंग्रेजी का किसी एक विषय में अपना पेपर दे सकते हैं और उसके लिए हरियाणा ओपन स्कूल और हरियाणा रेगुलर मोड में आप एडिशनल फॉर्म भर सकते हैं। दोनों मोड में आप पेपर दे सकते हैं। अभी वीडियो के आगे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने फॉर्म फिल करना है और कैसे कैसे आपने फॉर्म भरना है। एक चीज याद रखिएगा, जिन बच्चों ने उन कोर्सेज में दाखिला लिया है जिस कोर्सेज की बेसिक क्वालिफिकेशन 8th स्टैंडर्ड है वो बच्चे एक विषय का पेपर देने के पश्चात दसवीं के इक्विवेलेंट डीएमसी प्राप्त कर सकते हैं। वो प्लस टू की डीएमसी नहीं प्राप्त कर सकते जिस भी कोर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन 8th स्टैंडर्ड रहेगी। दूसरा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे भी प्लस टू की डीएमसी प्राप्त करेंगे वो आर्ट स्ट्रीम से मान्य होगी। आगे आप उसके बेस पर कहीं भी दाखिला हायर एजुकेशन में दाखिला भी ले सकते हैं। और दूसरा, यदि किसी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन प्लस टू है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हरियाणा गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आया हुआ है। ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा हुआ है, सभी कॉलेजेस को, सभी आईटीआईज को, सभी डिपार्टमेंट्स को। इस लेटर के तहत आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू प्लस टू ऑफ आर्ट स्ट्रीम, मैंने आपको पहले भी बताया आप जो पेपर देंगे हिंदी अंग्रेजी का प्लस टू की डीएमसी आपको आर्ट की ही मिलेगी। यदि आप प्लस टू करना चाहते हैं तो आपका कोर्स निश्चित तौर पर दसवीं बेस क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी क्वालिफिकेशन क्या मैट्रिक रहेगी। यदि आप एक साल का कोर्स करेंगे तो आपको अप्रेंटिस करनी पड़ेगी। यदि आप दो साल का कोर्स में दाखिला लेते हैं तो डायरेक्ट आप किसी भी एक विषय में पेपर दे सकते हैं। आप दे सकते हैं इधर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एग्जाम आप प्लस टू का देंगे तो आपको प्लस टू की डीएमसी मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चे आठवीं बेस पर कोर्स करेंगे आईटीआई का उन्होंने क्या करना है। यदि आपने मिडिल क्लास कर रखी है और वन ईयर आईटीआई का कोर्स आपने किया है, एससीबीटी एनसीबीटी कोई सा भी है दोनों चलेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक साल की अप्रेंटिस करनी है और फिर आपने दसवीं के अंदर याद रखिएगा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ही अनिवार्य हैं पेपर देने, दोनों एग्जाम आपको दोनों विषय पास करने पड़ेंगे। प्लस टू में आप एक विषय दे सकते हो लेकिन यदि आपने आठवीं करने के पश्चात आईटीआई की है तो आपको दसवीं की डीएमसी प्राप्त करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। उसके पश्चात अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे। थोड़ा उस तरफ वो लास्ट डेट बता दीजिए पहले। हाँ, तो सभी बच्चे यहां देखिए हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन का नोटिस है, इसके तहत आप लोगों ने ओपन से जो फॉर्म भरते हैं मुक्त विद्यालय, हरियाणा ओपन स्कूल मुक्त विद्यालय से जो बच्चे फॉर्म भरेंगे दसवीं का और बारहवीं का दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर तारीख मेंशन की हुई है। यदि आप बिना लेट फीस के भरेंगे ओपन से, हरियाणा ओपन से बिना लेट फीस के यदि आप सेकेंडरी का फॉर्म भरते हैं तो 30/5/2023 से 18/6/2023 तक बिना किसी लेट फीस के, जो बोर्ड की फीस है 1100 रुपये, तो आप इसके साथ भर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा विलंब करेंगे, देरी करेंगे तो आपको लेट फीस लगेगी। जैसे आप देख सकते हैं 30/6 तक 100 रुपये लेट फीस है, उसके बाद 15 जुलाई तक 300 रुपये लेट फीस है, उसके बाद 31 जुलाई तक 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं दसवीं का। ये याद रखिएगा, दसवीं का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। यदि आप भरते हैं सीनियर सेकेंडरी का, ये आप तभी भर पाएंगे जब आपने आईटीआई का कोर्स दसवीं बेस पर किया होगा।
जिस आईटीआई कोर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक रहेगी वो बच्चे इसका भर सकते हैं। यदि 2 साल का कोर्स है तो पास होने के पश्चात भर सकते हैं, 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के प्रैक्टिस के बाद भर सकते हैं। ये लेट फीस और सभी तारीख मेंशन है, आप इस वेबसाइट पर जाकर ये सब देख सकते हैं। अब सभी बच्चे देखिए कि किस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा, कॉलम दर कॉलम हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर तारीख मेंशन है कितनी लेट फीस लगी किस तारीख के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन शेड्यूल की ये तारीख है उसके बाद यदि आप फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो तो क्लिक है तो ये आपको कंप्यूटर वेबसाइट पर दिखेगा। सबसे पहले आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर 10वीं और 12वीं दोनों आएंगी। आप जो क्लास है एग्जाम्पल सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अप्लाइड करना है। एडिशनल ये विशेष तौर पर याद रखें, एडिशनल के तौर पर आपने फॉर्म भरना है। उसके बाद ईयर, ईयर में आएगा जिस साल में आपने आईटीआई पास की है, आपका जो सेशन खत्म हुआ जिस साल में वो आपने भरना है। उसके बाद आपने सेशन जिसमें माह में आपके आखिरी एग्जाम हुए थे पिछले कोर्सेज के। उसके बाद आपने अपने आईटीआई का रोल नंबर ये एग्जाम्पल भर दिया। उसके बाद आप अपनी जन्मतिथि भरेंगे, उसके बाद अपने कोर्स में जो नंबर लिए थे आप वो भरेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी। उसके बाद आपने रोल नंबर ये पहले ही भर दिए। सबसे पहले अपना नाम भरेंगे सभी बच्चे, उसके बाद अपनी माता जी का नाम फादर नेम, यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कुछ भी नाम भर दीजिए। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले ही कर दी थी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद आपने कैटेगरी, जो भी जिस कैटेगरी से है इसी में अलग अलग फीस रही कैटेगरी वाइज वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव हो वो ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन चले एक्टिव हो जो फ़ोन नंबर, ताकि बाद में ओटीपी वगैरह में दिक्कत ना आए। उसके बाद आपने आपका 16 अंकों का आधार कार्ड नंबर होगा। उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, रूरल में या अर्बन में, ये आप जब अपना भरेंगे तो वैलिड आएगा। एग्जामिनेशन पास आपने क्या किया है, जैसे आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया तो आईटीआई डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आईटीआई डिप्लोमा में आपका किस जिले से आपने आईटीआई की है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी आईटीआई का नाम प्राइवेट से की है सरकारी से की है सभी आपके ऑटोमेटिकली पोर्टल पर खुलेगा, आपने डाल देना है। उसके बाद आपने आईटीआई किस सेशन में करी है, और ये किसी भी सेशन का बच्चा कर सकता है, चाहे पीछे कभी भी भूतकाल में आई टी आई बच्चे ने। आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, आपकी ट्रेड 1 साल की है तो 1 साल, 2 साल जब आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने कब शुरू किया था कोर्स, फॉर एग्जांपल यदि आपने 1 साल का कोर्स किया तो आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिलेगा, यदि आपने 2 साल का कोर्स किया फिर आपको डायरेक्ट आपके कोर्सेज पर ही दाखिला मिल जाएगा प्लस टू के एग्जाम के लिए। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे, जो भी आपका एड्रेस रहेगा, दोनों सेम है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, या फिर अलग अलग हैं तो आप अलग अलग आपका एड्रेस भर सकते हैं। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप जाएंगे, तो उसके बाद आपका फीस का लिंक इसके बाद नेक्स्ट ऐप में आएगा। आप किसी भी एटीएम कार्ड से या यूपीआई से या फिर किसी क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका फॉर्म टोटली भरा जाएगा प्लस टू के इक्विवेलेंट। तो आप ये सब फॉर्म भरने के लिए HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा, यदि आप लोगों ने प्लस टू के विषय के बारे में पढ़ना है तो आप ITA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको सिलेबस के PDF नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगी, जो भी मटेरियल एग्जाम में आएगा वो सारा मटेरियल आपको ITI हरियाणा या SDIT हरियाणा पर जाकर के सारा मटेरियल आपको मिलेगा। उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट पर जाएंगे, आप लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में मिलेगा आपको सारा मटेरियल। यदि किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछना है किसी कुछ भी तो आप यहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार ये दोनों बराबर की गई है वो सारे सर्टिफिकेट आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। और प्लस टू का फॉर्म भरने के लिए आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर HBSE या हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जैसा आप देख पा रहे हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर जाएंगे, और उसके बाद ये लिंक
आपको मिलेगा लेफ्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इसमें जा करके आप वहाँ से फ्रेश कैंडिडेट है तो क्लियर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और सभी बच्चे इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच टू टेल यू। थैंक यू।